हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ब्लॉग रे मु अमर सिमला ट्रिप रो वीडियो शेयर करने को जाऊँ, जोटा कि प्री कोविड थिला। आम एबे भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे चेक इन सारिकी बोर्डिंग पे वेट करिछु। तो ये ट्रिपटा भी सडनली प्लान होता, तो आम पाखे टाइम नाला। आम अफिस् सारिकी 7:00 भुवनेश्वर एयरपोर्ट पलै आसलु। तो एबे आम फ्लाइट रे बसी सारु। एक्चुअली यहाँ भुवनेश्वर टू दिल्ली लास्ट फ्लाइट थी, तो फ्लाइट डिले थी, तो आम लेट्रे जा दिल्ली में पहुँचल। तो वाह, फाइनाली आम जाऊ सिमला। सिमला जावा समस्त गोटे ड्रीम थाए, तो फाइनाली आम आज जाऊ। हजबैंड तो आगर जाइंट, बट मोर फर्स्ट टाइम। तो आम तीन जन एक्साइटेड अच्छा, मु हजबैंड एंड ब्रदर इन लॉ। तो ये फ्लाइट टेक ऑफ करुच्छी भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु। तो देखते व्यू कितने सुंदर लगुच बाहर। तो फ्रेंड, नॉर्मली भुवनेश्वर टू दिल्ली 2 hours लगे, तो आज ऑलरेडी डिले हो जाए, फ्लाइट डिले थी। तो इट्स 11 PM नाउ। तो आम पहुँचु पहुँचु गोटे हो। एक्चुअली मझे पार्ट तो स्किप कर दीजिए, बिकज रात तो बाहर किसी देखा जावानी। तो फ्रेंड्स, एबे जस्ट 10 मिनट पूर्व फ्लाइट लैंड कल, तो आम ए फ्लाइट ओल्लिकी जाऊ। सो फाइनाली वे आर इन दिल्ली। तो आम ए बाहर को जाऊ, कौन टैक्सी अवेलेबल थी, होटल रूम ऑलरेडी बुक हो जाए। ये फ्रेंड्स देखो, तो आम बैगेज कलेक्ट कर नेलु, तो बाहर को जाऊ। फ्रेंड्स देखो, तो आमको एवं टैक्सी मिल जाइए, आम डायरेक्टली रूम को जाऊ। तो आमर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रे ट्रेन अच्छी, तो से आम स्टेशन पाखर रूम नहीं छु। एबे ऑलरेडी 2 AM हो गला, तो से रास्ता बहुत सुनसान अच्छी। तो यूठ ऑलरेडी 40 मिनिट्स लगे आमको रूम को पहुँचापी। तो फ्रेंड्स, आम ए होटेल पहुँचला, आमको जल्दी फ्रेश हो कि रेस्ट नाक पड़ो, बिकज अर्ली मॉर्निंग आमर ट्रेन अच्छी शताब्दी आम बुक करूँ दिल्ली टू कालका। तो फ्रेंड्स देखु, एटा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आम कालका स्टेशन में ऑलरेडी पहुँची सारू। तो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। एंड फ्रेंड्स, मुझे कही आमर अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी, तो आम सका जल्दी रेडी पलैसलु स्टेशन। एंड शताब्दी रिजर्वेशन में तो कम्प्लीमेंटरी था ब्रेकफास्ट, तो आम ब्रेकफास्ट ट्रेन में ही करेलु। एंड फ्रेंड्स देखो, तो ये आम कालका स्टेशन रू बाहर टुवर्ड सिमला बाय टॉय ट्रेन। तो ये आम टॉय ट्रेन रो एक्सपीरियंस करने को जाऊ फ्रॉम कालका टू सिमला। एक्चुअली मुझे सुनी थी टॉय ट्रेन रो एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग। तो आम डिसाइड करलु दिल्ली रु कालका आसबू, देन यू आम सिमला जीवु बाय टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन रे अराउंड 5 to 6 hours लगे जाऊँ सिमला पहुँचापी, बट आमको यहाँ एक्सपीरियंस करार। एक्चुअली आम पाखे आउ गोटे भी ऑप्शन थिला, मैं दिल्ली टू बाय फ्लाइट चंडीगढ़ जाइकी सेठ पुणे टैक्सी रे सिमला जाई पड़ता, जोटा कि कम टाइम लगी था, बट स्टिल आम चूज कलु टॉय ट्रेन, क्योंकि जो कहते हैं ना, असली मजा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है। इटा 100% सत कथा। और बाहर व्यू जमी थी एंड टेम्परेचर बहुत कम थी, अराउंड 11-12 degrees। तो आप देखिपे के मजा कर ट्रेन भितर, जिते आम आगक आगक जाऊ टेम्परेचर कमी कमी जाऊ, तो थंडा भी बढ़ी बढ़ी जाऊँ। एंड आप देखिपे आम सहित आहरी बहुत लोग सिमला ट्रावेल कर। टॉय ट्रेन रो मेन मजा है बाहर, आम विंडो बाटे देखिले चारिआड़े ग्रीनरी देखा जाऊँगी, और बहुत बड़ बड़ पहाड़ अच्छी, पहाड़ घर गुड़ा भी बहुत सुंदर देखा जाऊँगी। नॉर्मली आम पहाड़ पर घर बनाटा बहुत कम सीट्रे देखा पाऊ, बट सिमला गोटे प्लेस जोटी की पहाड़ रही मैक्सिमम घर अच्छी और बहुत सुंदर भी देखा जा। तो आश्चर्य लगुच देखिले ये सुंदर घर से मैंने पहाड़ पर कमी बनई, बाहर व्यू देखते कते सुंदर लगुच, आम तो बहुत मजा कर। एज यू ऑल नो दैट सिमला इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स, सो यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुल सिमला इज। एंड आई मस्ट से यदि आपण मैंने किए सिमला प्लानिंग करूँ, तो यू मस्ट ट्रैवल इन टॉय ट्रेन टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी ऑफ सिमला। Oh, 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 oh
डिफरेंस देखु ट्रेन एवं बड़ग स्टेशन रे एंट्री करुच्ची तो ये मे बी 5 मिनिट्स ट्रेन रो तो साइड रे स्नैक्स दुकान थी तो हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ जा ब्रेड सैंडविच एंड समोसा आने आउ से भितर मुझे बाहर आसिकी वीडियो शूट कर देछि वॉल साइड रे गोटे सुंदर फूल गछटे आउ ए स्टेशन टाइम बहुत नीट एंड क्लीन थी एवं से मैंने स्नाक्स नहीं कि पड़े आसले एंड ट्रेन भी टिके टाइम छाड़ीदेव देखो मुझे फूल कथा कहती यहाँ से फ्लावर टा बहुत सुंदर देखा तो मुझे भितर को जाऊँ बहुत फॉरेनर भी सेम ट्रेन में ट्रैवल करते तो सी ब्रदर इन लॉ को कौन पचारे तो सी गाइड करुले एंड से मैंने भी बहुत एंजॉय करुले सो फ्रेंड्स देखो फाइनाली आम सिमला पहुंची जाइए इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू अभी पहुंची गलु बहुत ठंडा लगुच टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री पाखापाखी अच्छे तो बहुत ठंडा लगुच तो आम देखु एवं टैक्सी नहीं कि रूम को पलू जल्दी रूम अलरेडी बुक हो जाए तो आम 3 डेज प्लान कर देखु कौन कौन कवर कर पार्छ सिमलार तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट ब्लॉग So guys, thanks for staying with us. Hope you all like it. See you in next vlog. Till then, take care. Bye bye.